अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हम माहौल का तवाज़न, चौथा सबक है ये पांचवी जमात का हिस्सा वन का चौथा सबक को हम पहले पढ़ेंगे और फिर सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए पहले हम इस सबक को पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर है ये चौथा सबक, माहौल का तवाज़न। तो इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसका मुताला करेंगे। तो आइए ये करके देखें। आप घर के बड़ों के साथ कर्ब व ज्वार के किसी नदी, तालाब, नहर में से जो किसी एक मुकाम पर जाइए। यानी कर्ब ज्वार क्या होता है, आपके आसपास का कोई माहौल है, वहां जाकर थोड़ा सैर करिए। आगे देखते हैं कि वहां नजर आने वाले जानदारों की फहरिस्त बनाइए। यानी आपको क्या क्या नजर आया उसको आपको एक फहरिस्त बनानी है। वहां के कुछ जानदारों के नाम आपको मालूम नहीं होंगे, अगर ऐसा हो तो उनकी तस्वीर बनाइए या उनकी शाख्त, रंग, आवाज, मस्किन यानी उनका घर के बारे में अपने मुशाहिदात को ब्याज में लिखिए। अब जानवरों और नबातात की कितनी किस्में नजर आई, शुमार कीजिए, इन्हें भी गिनना है आपको। अब आपके मकान के करीब स्कूल के बाग या करीब के खेत में जाकर यही अमल को दोहराना है। ठीक है, आपके नजदीक स्कूल वगैरह जो भी जगह जहां पे आप जा सकते हैं वहां जाके आपको ये मुताला करना है। अब बताइए तो भला, जो जानदार आपको नजर नहीं आए लेकिन वहां मौजूद थे या आकर चले गए, क्या आपने वहां उनकी निशानात का मुशाहिदा किया? मसलन आधे खाए हुए फल वहां पे पड़े हुए कहीं मिले होंगे, फलियां यानी छिलके, जो छिलके छोड़ देते हैं वो फलियां, टूटे हुए पर, जो परिंदे वगैरह उड़ के चले जाते हैं उनके टूटे हुए पर, पैर के निशानात, गोबर, मिंगनिया, घोंसले, प्यूपे, अंडे, शहद के छत्ते वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपको मिले तो आप उनको अपनी लिस्ट में जरूर लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, क्या आप खुर्दबेनी जानदारों का मुशाहिदा कर पाए, वहां पे क्या आपको खुर्दबेनी जानदार मिले? तीसरा है कि आप जिस मुकाम पर गए वहां कुल कितनी किस्म के जानदार नजर आए, क्या आप समझते हैं कि आपके मुशाहिदे के दौरान वहां रहने वाले तमाम जानदार आपको नजर आए? पानी के करीब खेत या बाग में पाए जाने वाले जानदार मुख्तलिफ थे या वही थे? अब यहाँ पे इस तस्वीर को हम थोड़ा मुताला कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तस्वीर में कौन कौन नजर आ रहा है। मुझे तो देखिए क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे, घास और पानी है। यहाँ पर छोटा सा एक ये तालाब है जहाँ पर गाय भैंसे खड़ी हैं, बकरी खड़ी है, और यहाँ पे मछलियाँ मुझे नजर आ रही हैं, मेंढक है, यहाँ खरगोश है, यहाँ कुत्ता बैठा है, और यहाँ उड़ती हुई तितली, यहाँ पे चिड़िया वगैरह, कौवे हैं, और इस तस्वीर में बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ और ये पेड़ भी दिखाई दे रहा है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ नजर आता है तो आप अपनी फहरिस्त में इसे जरूर लिखिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों में जो फर्क पाया जाता है उसे वहां का हयाती तनु कहते हैं, हयाती तनु। ठीक है, तो बतलाइए तो भला, आपने जानदारों का मुशाहिदा किया, इनमें से आपको किस मुकाम पर हयाती तनु नजर आया, यानी आप कहाँ पे घूमने गए थे जहाँ पे आपको ये सभी नजर आए। तो किसी इलाके के हयाती तनु के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए साइंसदान, जो साइंसदान होते हैं वो मुशाहिदात करते हैं। अब वो कैसे मुशाहिदात करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, यानी वो एक दो नहीं बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और रात दिन मुख्तलिफ मौसम, इन तमाम हालात में साइंसदान मालूमात हासिल करके इंदराज करते रहते हैं, यानी उसको एक लिस्ट बनाते रहते हैं। बहुत ऊंचे मुकामात या गहरे पानी में रहने वाले जानदारों और खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा करने के लिए मखसूस आलात का इस्तेमाल करते हैं। कई साइंसदानों के मुशाहिदात को यकजा किया जाता है, यानी एकजुट करके उसका दोबारा मुताला किया जाता है। ऐसी तमाम कोशिशें तवील अरसे तक की जाती हैं, तब कहीं जाकर किसी इलाके के हयाती तनु के मुतालिक साइंसदानों को यकीन होता है। देखा बच्चों, कितना मुश्किल से वो इसकी मालूमात हासिल करते हैं। अब माहौल का हम मुताला करेंगे कि माहौल में क्या क्या होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं।
आप गर्द व पेश लफ्ज से वाकिफ हैं। अब ये गर्द व पेश जो लफ्ज है, ये आपने सुना तो होगा, इसका मतलब क्या है? स्कूल का गर्द व पेश खूबसूरत है, बाजार का गर्द व पेश गंदा है, यानी ऐसे जुमले हम रोजाना सुनते हैं। गर्द व पेश यानी आसपास, आपके आसपास, यानी गर्द व पेश की जगह को कहा जा रहा है। घर और स्कूल के गर्द व पेश से शहर गांव का गर्द व पेश बड़ा होता है। देखिए, जुमले में भी इस लफ्ज को इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि आप समझ जाएं कि गर्द व पेश का मतलब होता है आपके आसपास। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, नबातात और जानवर जैसे कई अज्जा का हमारी जिंदगी से ताल्लुक होता है। जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली गर्दो पेश की तमाम अशिया से मिलकर माहौल बनता है। ठीक है, जब माहौल बनता है वो हमारे आसपास के माहौल से बनता है। तो जानदार और गैर जानदार एक दूसरे पर मुनसर होते हैं और इनके दरमियान कुछ लेन देन यानी बाहमी तामुल होता रहता है। इस बाहमी तामुल का मुताला माहौलियात में किया जाता है। जेल के चौकोन में दिए हुए जानदार और गैर जानदार अज्जा की तस्वीरें देखिए और माहौल के इन मुख्तलिफ अज्जा के बारे में एक दूसरे से बातचीत कीजिए। तो चलिए इस तस्वीर को हम गौर से देख लेते हैं कि यहाँ पे जानदार और गैर जानदार को हमें पहचानना है। अब इसमें गैर जानदार मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर, ये टूटा हुआ पेड़ जड़ों के साथ, और ये गैर जानदार में ये बिजली, बादल, बारिश, और ये तालाब, ये पहाड़, ये सूरज, ये गैर जानदार है, इनमें जान नहीं है। अब जान किसमें है? हाथी है, बत्तख है, यहाँ पे चील है, गाय है, और ये देखो पत्थर है, ये भी बेजान है। हा? मैंने अभी आपको नहीं बताया, यहाँ मछली है, जानदार है, जितने भी चरिंद परिंद यानी जो चल फिर रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं, वो जिंदा है, बाकी जो एक ही जगह खड़े हैं वो अपने मनमानी नहीं कुछ कर सकते, वो बेजान है। ये पहचानने का एक तरीका है। आगे हम चलते हैं, गिजाई जंजीर क्या होती है? जेल की तस्वीर देखिए। अब ये क्या है? ये नाक तोड़ा ये परिंदा है, ये क्या खाता है? ये घास खाता है, घास खाने वाला है ये, और इसे कौन खाता है? इसे चिड़िया खाती है। इस तरह से गिजाई जंजीर होती है, एक दूसरे को खाना है, उस पे मुनसर होते हैं। अब नाक तोड़ घास यानी ये जो है, ये नाक तोड़ जो है मतलब परिंदा है या छोटा सा कीड़ा जैसा है, उड़ता है, जबकि ये ग्रास होपर कहते हैं इसे इंग्लिश में। नाक तोड़े को परिंदे खाते हैं, इसको क्या करते हैं? परिंदे खाते हैं और चिड़िया यानी खाती है। अब बतलाइए तो भला परिंदों को कौन कौन खाता है? दूसरा है कि नबातात की गिजा क्या है? अब ये आप जो ऊपर पढ़ते जा रहे हैं उससे ये जवाबात बनाते जाइए। जेल की तस्वीर देखिए। चलिए, अब ये जेल की तस्वीरें हैं, ये जंजीर एक बनी हुई है, जंजीर में कई कड़ियां हैं, देख रहे हैं आप कितनी सारी कड़ियां जुड़ी हुई है, तब जंजीर बनी है। इसकी कड़ियां खुल जाए तो क्या उसे जंजीर कह सकते हैं? जंजीर की हर कड़ी एक मुकम्मल जुज होने के बावजूद वो आगे और पीछे मौजूद कड़ियों से जुड़ी हुई होती है। कोई एक कड़ी निकल जाए तो जंजीर टूट जाती है। पहली तस्वीर है नबातात, नाक तोड़ा, परिंदा जैसे मुख्तलिफ अज्जा और मखसूस मुकर्रर तरतीब में होते हैं। ये हर जुज अगले जुज की गिजा बनता है, वो गिजा की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक जंजीर के अज्जा हैं। इस जंजीर को गिजाई जंजीर कहते हैं। इसका हर जुज गिजाई जंजीर की एक कड़ी है। अब देखो, जैसे यहाँ पर तस्वीर में आप देखोगे हिरन की गिजा क्या है, हिरन की गिजा घास फूस और ये जो है वो पत्ते वगैरह खाती है, लेकिन हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। शेर की गिजा सबसे अच्छी हिरन है। ठीक है, अब जेल की तस्वीरों में एक गिजाई जंजीर दी हुई है, इसमें की एक कड़ी आपको पहचानना है। पहली और तीसरी कड़ी में कौन सी तस्वीरें हैं देखिए, इसका आपसी ताल्लुक पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। अब पहली तस्वीर में आप देखेंगे ना, ये पत्ते पर एक कीड़ा छोटा सा चल रहा है। अब यहाँ पर है उल्लू, तो क्या उल्लू ये कीड़ा खाता है? ये आपके लिए सवाल है। अब कुदरत में कई गिजाई जंजीरें होती हैं, उनमें से कोई एक कड़ी खत्म हो जाए तो क्या गिजाई जंजीर बरकरार रहेगी? अब ये देखो घास है, घास कौन खाता है? खरगोश खाता है। अब खरगोश को कौन खाता है? तो यहाँ सांप खाता है। इस तरह से एक दूसरे को खा के ये दुनिया चलते रहती है। अब गिजाई जाल, जेल की तस्वीरों में कुदरत की कुछ गिजाई जंजीरें बताई हुई हैं, इनमें गौर करिए। बताइए तो भला, तलाश कीजिए कि चूहा और लार्वा
कौन सी गिजाई जंजीरों के जुज होते हैं। अब एक ही जानदार मुख्तलिफ गिजाई जंजीरों का जुज हो सकता है, इसलिए फितरत में गिजाई जाल नजर आता है। अब यहां पर हम देखेंगे, अब गिजाई जंजीर में बुनियादी गिजा नबतात, अब देखते हैं नबतात की गिजा। हर जानदार को जरूरी गिजा माहौल ही से हासिल होती है, वो भी इस दुनिया से कहीं और तो जाके खाना नहीं लाएगा और वो हमारी तरह पका के भी नहीं खा सकता, तो कुदरत ने यानी अल्लाह ने उनके लिए भी खाने का इस तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि घास खा के भी कोई जी ले रहा है, कोई एक दूसरे को खा के भी जी ले रहा है, पानी के भी जानवर ऐसे ही करते हैं, अंदर एक दूसरे को खा के ही जीते हैं, यानी उनकी जिंदगी भी इसी तरह से चल रही है। तो आगे हम जानेंगे कि माहौल के कई हैवानात सिर्फ नबातात ही से गिजा हासिल करते हैं। नबातात को खाने वाले हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी गिजा बनाते हैं। पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी गिजा तैयार करती है, यानी हर गिजाई जंजीर की असास नबाताती से होती है। यानी जो पौधे वगैरह हैं यहाँ पर आप देखोगे इस तस्वीर में, इसको ये नबातात है तो इसको क्या क्या जरूरत मिल रही है, पूरी सूरज की रोशनी मिल रही है इसमें से, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसको पानी मिट्टी की जरूरत होती है जो इसको जमीन से अपने आप ही लेता रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये खाने वाली जो जंजीर यानी मुख्तलिफ गिजाई जंजीरें मिलकर बने हुए गिजाई जाल, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये चील है, इसकी गिजा क्या है। तो ये देखिए, सांप खाती है, चूहा खाती है, ये गिलहरी को भी खाती है, खरगोश को खाता है, और इस तरह से यहाँ पर शेर की गिजा क्या है, ये हिरन है, और ये जो लोमड़ी है या भेड़ है वो भी क्या करता है, भेड़िया जो है वो भी हिरन को ही खाता है। अब ये देखिए, ये जो नागतोड़ा है और ये जो हमने यहाँ पे इसको कीड़े को देखा, ये सब क्या करते हैं, फल वगैरह खाते हैं, या हरी जो पत्तेदार जो पत्ते वगैरह होते हैं, घास होती है, ये सब खाते हैं। और यहाँ पे देखो ये मेंढक है, मेंढक को भी सांप खाता है, यानी एक दूसरे को खाकर ये सब जी रहे हैं। यहाँ पे इस तस्वीर को इस देख कर ये सब समझ सकते हैं हम। आगे हम देखेंगे कि माहौल का तवाजन यानी कैसे तवाजन बरकरार रहेगा, यानी एक दूसरे पर किस तरह से ये लोग मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे को चला रहे हैं, इस तरह से ये दुनिया हवा पानी ऑक्सीजन सभी को लेकर चल रही है। हमें भी इन सब की जरूरत पड़ती है, हम आगे पढ़कर देखेंगे। जैसे हमारे माहौल में कई गिजाई जंजीरें होती हैं, ऐसी गिजाई जंजीरों की वजह से माहौल में रहने वाले हर जानदार को गिजा मिलती रहती है और वो जिंदा रहता है। नबातात से हासिल होने वाली घास फूस और तिनके हैवानात के मुर्दा जिस्म फजला जैसी यानी उन लोग की जो छिछी वगैरह होती है वो सब भी अशिया का तजजिया करके उन्हें खाद में तब्दील करने का काम मिट्टी में पाए जाने वाले कुर्दबेनी जानदार करते रहते हैं। कुर्दबेनी जानदार बहुत बारीक, बहुत बारीक छोटी जसामत के होते हैं, वो नजर नहीं आते हमें, लेकिन वो मिट्टी में मिक्स रहते हैं। तो इसी तरह मिट्टी में नबातात के लिए गिजाइयत बख्श मादे तैयार होते रहते हैं। इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाती है, यानी देखो उनको ये जो मिट्टी के जो खुर्दबेनी जानदार है वो किस चीज से बना रहे हैं। यहाँ पर देखो सड़े गले पत्ते, ये जानदारों की जो वो लोग अपना छिछी करके चले जाते हैं वो सब मिलाकर, या जो सीड जो होते हैं खाए हुए फल उसके छिलके उसके बीज, उन सभी का क्या हो जाता है, मिट्टी में धीरे धीरे खराब होके सड़ के और वो मिक्स करने का काम ये खुर्दबेनी जानदार करते हैं। अब इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाती है और ये खाद जो है वो फिर ये सब पाकर मजबूत हो जाती है और पौधा जो है जमीन से वो बहुत अच्छा नशोनुमा यानी बहुत अच्छे से फिर वो बढ़ने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है। अब जमीन में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके नबातात का नशोनुमा पाना और हैवानात और नबातात के बाकियात का सड़ गलकर गिजाई मादों में दोबारा जमीन में जज्ब होना माहौल में पाया जाने वाला एक अहम चक्कर है। अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे सारी चीजें सड़ गल जाती है, कोई जानवर मर जाते हैं, उनका बदन उनके पंख यानी जो पर वगैरह होते हैं उनकी हड्डियां वो सारी भी मिट्टी में ही जज्ब हो जाती है बाद में। मिट्टी ऐसी चीज है ना कि हर एक को अपने अंदर हजम करती है और खुद मजबूत होती जाती है, इसीलिए पेड़ पौधे यानी नबातात जो है वो अच्छी नशोनुमा पाते रहते हैं। इसके अलावा माहौल में मौजूद आबी चक्कर की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलता रहता है।
आबी चक्कर आपको तो पता ही है कि हवा के जरिए पानी समंदर से गर्मी लेता हुआ आसमान की तरफ घूमता है, बूंदे बूंदे होके बादल बन जाता है और बारिश बन के भी बरसता है। इस तरह से क्या होता है, धरती को पानी बराबर मिलता रहता है। अब जानदार जो है तनफ्फुस के लिए किर्रे हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हवा है वो तनफ्फुस यानी हमको भी उसकी जरूरत है ना, हम भी ऑक्सीजन यानी तनफ्फुस के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं वो कुदरती होता है। इनके जरिए खारिज की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके नबातात खुद की गिजा तैयार करते हैं। इस अमल के दौरान तैयार होने वाली ऑक्सीजन दोबारा किर्रे हवा में मिल जाती है। ये भी एक कुदरती चक्कर है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो खुद भी एक गैस ऐसी बनाते हैं जो वो हवा में अपना छोड़ते रहते हैं, जो फायदेमंद होती है, जिसको वो हवा की जो गंदगी होती है ना उसको साफ करता है और फिर वो हमारे श्वास में जाता है, जानदारों में जाता है। तो इस तरह से सब कुदरती चक्कर चलता रहता है। अब हम आगे जानेंगे कि माहौल में ऐसी कई चक्कर पाए जाते हैं, जैसे जानदार, जानदार और जानदार, गैर जानदार में आपस में लेन देन का अमल होता रहता है और इसीलिए माहौल में मौजूद गिजाई जंजीरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। अब माहौल में तमाम चक्कर मुकम्मल तौर पर जारी रहें तो माहौल का तवाजन बरकरार रहता है। ये बात तो सही है ना कि हर काम अपनी तौर तरीके से कंटिन्यू होते रहता है तो सारा चीज सही से चलता रहता है। जैसे अब इस तस्वीर को हम देख के समझेंगे, जैसे सूरज का रोज का निकलना है ना, तो ये क्या होता है, गर्मी देता है हमें, हमें हमारे जो बॉडी में विटामिन डी देता है, हम जो हम इंसानों की बात कर रही हूँ, ये विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, उसकी रोशनी में 1-2 घंटा रहना चाहिए तो ये रोशनी पूरी दुनिया को मिलती है। इसी की रोशनी से क्या होता है, जो नबातात होते हैं ना वो रोशनी पाते हैं और गर्माते हैं और अपना वर्क यानी काम करने लगते हैं। तो काम क्या करते हैं, जमीन से वो पानी और उनकी जो गिजा होती है वो लेने लगते हैं। ये गर्माहट से ये काम होता है। ऊपर से क्या होता है, यहाँ पर कई तरह की गैसेस है जो हमें नजर तो नहीं आती लेकिन हमें सांस लेने में ये हमारी मदद करती रहती है। ये इस तरह से आबी चक्कर के जरिए हमें मिलते रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना इस तस्वीर को, यही समझाया जा रहा है, ये पानी जो है ऊपर जाता है और इस तरह से बादल बन के फिर बारिश में बरसता है। इस तरह से ये दुनिया, जमीन भी गीली होती है और जमीन को पानी भी मिल जाता है। अब तमाम जानदारों की बिका के लिए माहौल के तवाजन का कायम रहना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, अब हमने जो भी ऊपर पढ़ा उसमें से हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले जमीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं, ये बात तो सच है। और दूसरा है कि माहौल में पाए जाने वाले जानदारों और गैर जानदारों का आपस में ताल्लुक होता है, जो हमें नजर नहीं आता लेकिन उनकी जिंदगी में वो आपसी ताल्लुकात के ही बल पे जी रहे। और तीसरा है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैवानात, नबातात और खुर्दबैनी जानदार पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के भी जानदार होते हैं, वो बताया जा रहा है। चौथा है यहाँ पर कि माहौल में पाया जाने वाला आबी चक्कर, फिजा में गैसों का चक्कर और गिजाई जंजीरों की वजह से माहौल का तवाजन कायम रहता है। इनमें हजारों साल से तवाजन कायम है और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रह रहा है, वो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सबक खत्म हो गया, तो चलिए हम यहाँ पर मश्क करेंगे यानी ये सवाल जवाब हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सवाल जवाब की स्लाइड खोल रही हूँ। तो वेलकम इन वारसी उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर चौथी मतलब सबक का हम जवाब देखते हैं। तो सबसे पहला है सवाल, यहाँ पर ये सबक है ना जिसे अभी हमने पढ़ के देखा, तो इसका पहला सवाल है यहाँ पे अलीफ में। रुकिए मैं पेन ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से अंडरलाइन करके समझाती जाऊंगी या निशान लगाते जाऊंगी, आपको अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर ये हमारा सबक का सवाल जवाब शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है अलीफ का, क्या करेंगे भला, कीड़े मार दवा का इस्तेमाल ना करते हुए अनाज को कीड़ों से पाक करना। अब अनाज हमारे घर में होता है तो कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, उनसे कैसे हम उसको पाक रखें? तो जवाब है, अनाज में कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हुए आप दूसरी तदबीरें कर सकते हैं, जैसे कि अनाज को धूप दिखाते रहें तब भी कीड़े मर जाते हैं या नहीं लगते हैं, लौंग डालिए उसमें या नींबू के पत्ते
या नीम के पत्तों को भी अनाज में रखने से कीड़े नहीं लगते। अनाज के बर्तनों और जगहों को खुश्क रखना भी जरूरी होता है, यानी जहां भी ये बोरे या बर्तनों को रखे ना अनाज वाले, वहां पे जगह को सूखा हुआ रखना जरूरी है, सूखा रखना चाहिए, यानी गीला ना हो ये ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल बे है, आइए दिमाग पर जोर दे, गिजाई जंजीरें बनाइए। अब मेंढक, चील, लार्वा, सांप, घास, तो मैंने देखी कैसे बनाए। सबसे पहले मैंने रखा घास को, घास को लार्वा खाता है, लार्वे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को चील खाती है। इस तरह से हमने जंजीर बनाई और इन तस्वीरों में हमने जाना था कि किस तरह से कौन किसको खाता है और इस तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है। अब यहाँ पे जीम का जवाब है कि दर्जे ज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ जवाब है कि गिजाई जंजीर से क्या मुराद, यानी सवाल है ये कि गिजाई जंजीर से क्या मुराद है, मिसाल के साथ लिखिए। तो जवाब है कि जानदारों की दुनिया में एक जानदार दूसरे जानदारों पर ही मुनसर होते हैं और ये तरीका कुदरत ने बनाया है, इसकी को जानदारों की गिजाई जंजीर कहते हैं। मसलन रोशनी, पानी और हवा से नबातात की अफजाइश होती है और लार्वा पत्ते खाता है, देख रहे हैं आप, और फिर चिड़िया क्या खाती है, लार्वे को खाती है। इस तरह से एक दूसरे पर इनहिसार रहने को गिजाई जंजीर कहते हैं। अब यहाँ पर आप इस तस्वीर को देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर ये लोग इनहिसार करते हैं। दूसरा सवाल है इसी में कि माहौल का तवाजन किस तरह बरकरार रखा जाता है। तो जवाब है इसका कि माहौल का तवाजन बरकरार रखने के लिए गिजाई जंजीरें और गिजाई जाल और मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान बाहमी अमल मौजूद होता है। इन जानदारों और गैर जानदारों में बाहमी लेन देन की अमल की वजह से कई तरह के चक्कर पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर आबी चक्कर और गैसों का भी कुदरती अमल होता रहता है। इस बिना पर माहौल में मौजूद गिजाई जंजीरों में किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। माहौल में तमाम चक्कर मुकम्मल तौर से जारी रहें तो माहौल का तवाजन बरकरार रहता है या रहेगा हमेशा के लिए, और इनमें हजारों साल से तवाजन कायम है। अभी आपको देखे ये तस्वीर कि जो काम जैसे कुदरती तौर पे होते रहते हैं उसी वजह से ये दुनिया चलती रहती है, जैसे सूरज का निकलना, बारिश के मौसम में बारिश होना, सर्दी के मौसम में सर्दी होना और गर्मी के मौसम में गर्मी भी होना, ये दुनिया का जो चक्कर है ये इसी तरह से चलता रहता है और हर एक को अपनी जरूरत की चीजें मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर दाल का सवाल है कि नबातात की नशोनुमा के लिए जमीन में पाए जाने वाले कौन से मादों का इस्तेमाल जरूरी है। तो जवाब है कि नबातात अपनी नशोनुमा के लिए अपनी जरूरी अशिया खुद जमीन से हासिल करती है, खुद ही वो अपनी जमीन से हासिल कर लेती है, जैसे पानी, मादनियात और कई दूसरी अशिया, यानी मादे, मुर्दा हैवानात और घास या पत्ते जो जमीन में पड़े पड़े सड़ जाते हैं वो भी नबातात की गिजा बनते हैं। इन मुफीद मादों के जरिए नबातात को नशोनुमा में मदद मिलती है और वह तेजी से फलते फूलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो तस्वीर है इसमें यही बताया जा रहा है कि सूरज की रोशनी की वजह से या वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलता है, फिर ऑक्सीजन वो खुद छोड़ता है और नबातात को क्या होता है, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हे का सवाल है कि सही या गलत बताइए। पहला सवाल है कि माहौल में कुर्दवैनी जानदारों का शुमार होता है, सही है। दूसरा है यहाँ पर हयाती तनु को बरकरार रखना जरूरी है, ये भी सही है। और तीसरा है यहाँ पर नाक तोड़ परिंदे को खाता है, ये गलत है। तो बच्चों यहाँ पर सभी सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए और सबक भी हमने पढ़ के जाना, आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ मैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और वो घर बैठे आसानी से ऑनलाइन काम कर सकें इस बारिश के मौसम में, या कभी लॉकडाउन जैसे माहौल की वजह से भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आप मेरे से सवाल जवाब हासिल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो इस लेसन के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।